आशा। नमस्ते मासी जी। रेनू तैयार हो गए? रेनू देख तेरी आशा आई है। अभी आई का। क्या बात है, आज तुम लोग कहाँ जा रही हो? इम्तिहान खत्म हुए हैं, इससे आजकल हम लोगों का वक्त सैर सपाटे और मौज मजे में ही कटता है। आज मेरा बर्थडे है और सब लोग मेरे बंगले में इकट्ठे होंगे, वहीं कुछ नाच गाना भी होगा। जुग जुग जियो, खेलो कूदो। अभी तो तुम लोगों के बाहर के दिन हैं, मैं जाऊँ, मुझे स्कूल जाना है। बड़ी अच्छी साड़ी पहनी। क्यों, बहुत अच्छी है ना? कब खरीदी? कल ही। रेनू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये सिल्वर बैंगल मुझे दे दो और तू है जो कभी मानती ही नहीं। नहीं आशा, ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरी बड़ी प्यारी चीज है, तुम इसे न मांगा करो, मुझे शर्म आती है। अच्छा नाते ही, ये देख अपनी जैसी साड़ी तेरे लिए भी लाई हूँ। रेनू, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, पहन तो ली, अब मेरे लिए क्यों? रेनू, तू हमेशा इसी तरह बातें करती है। आशा, तू है बैरिस्टर सिन्हा की लड़की और मैं हूँ एक गरीब स्कूल मास्टरनी की लड़की। मैंने कभी ऐसी बात की है जिससे मालूम हुआ हो कि मैं अमीर हूँ और तू गरीब? की तो नहीं, तो कर सकती हूँ, इतनी नीच हूँ मैं। क्या हुआ, बर्थडे मनाने जा रही थी तुम लोग तो, अब महावारा शुरू कर दी क्या? तुम ही बताओ ना मासी, आज हमारा बचपन से साथ है। अच्छा, मैंने कभी ऐसी बात की है जिससे मालूम हुआ हो कि मैं बड़े आदमी की लड़की हूँ? आखिर हुआ क्या? मासी कल बाजार गई थी, ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, खरीद ली। तुम तो जानती हो जो भी खाऊंगी पहनूंगी बिना इसे खिलाए पहनाए मुझे चैन नहीं पड़ता। अपने लिए साड़ी खरीदी, इसके लिए भी ले ली। अब जब देने आई हूँ तो तुम पहनो भाई, तुम बड़े आदमी की लड़की हो, हम गरीब ठहरे, तुम्हें शोभा देगी। मैंने ये कब कहा था? रेनू साड़ी ले ले। ले लूंगी। नहीं मासी, इसे आज ही पहन के जाना होगा। जा पहना, अभी तो मैंने ये साड़ी पहन रखी है, कल पहन लूंगी। नहीं मासी, आज सब लोग मेरे बंगले में इकट्ठे हो रहे हैं, इसे आज ही पहन के जाना होगा। जब पहन दिया, चुड़ैल रोकर जीतती। गोरी जरा धीरे, गोरी जरा धीरे चलो, पतली कमरिया लचक नहीं जाए। गोरी जरा धीरे चलो, पतली कमरिया लचक नहीं जाए, गोरी जरा धीरे लचक। मेरी बल्लो, क्या बात है, ये परेशान सा चेहरा, उदास निगाहें, किसी ने कुछ कहा है? मैं उनसे नाराज हूँ, कहोगी ना? हेलो, चलो भाई हम भी बैठ जाते जवानी।
बना ले मोरी जवानी के गुण गा ले, उमंगों के दिन बीत जाए बीत के ये दिन हाथ ना आए, जवानी के दिन है ये हाय जवानी के दिन है ये, किसी की गुजारी गोरी किसी को अपना बना ले मोरी जवानी के गुण गा ले। सुरेल का मछली पकड़ने का शौक तो देखो, ना जाने कहां से इतनी फिशिंग राउट लिए। छेड़ा है वो साजे जवानी है, जमाना सुन रहा है जिसको, जमाना सुन रहा है जिसको, मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। कसम खा के किसी को जब कभी अपना बनाऊंगा, चमन की डालियों से लालियां फूलों की लाऊंगा, सितारों के चिरागों से फिर इस घर को सजाऊंगा, कि इस दुनिया में मुझको एक नई दुनिया बसानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। चमन में सबने ही गाया तराना जिंदगानी का, मगर सबसे अलग था रंग मेरी ही कहानी का, फसाना इस कदर रंगीन था मेरी जवानी का, कि जिसने भी सुना कहने लगा मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा।
समझे मैं कह देता हूँ दुनिया से कि मैं दुनिया में हूँ मतलब नहीं रखता हूँ दुनिया से कभी कुछ दिल में आता है तो कह देता हूँ दुनिया से मेरी आवाज़ ही मेरी तमन्ना की निशानी है बहारों ने जिसे छेड़ा जमाना सुन रहा है जिसको वो मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा क्यों मैम साहब ये चल के मुझसे ही खुद चली आए सुहाए साथ में मेरी चिड़िया को बुलाना है और अगर प्रेमन जी का गाना रेडियो पर था तो मुझे बताया तो होता तुम अगर प्रेमन के गाने पर जान देती हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि प्रेमन के गाने के हम भी आशिक हैं यानी किसी के गाने पे दिल को गंवाए बैठे हैं रकम जो पास थी वो भी लुटाए बैठे हैं लेकिन लेकिन क्या गजब तो ये है कि हमको नजर नहीं आते बहुत दिनों से जो दिल में समाए बैठे आज आशिक हुसैन साहब बिस्तरे शायरी होती रहेगी या और भी कुछ जो बोलो जान हाजिर है एक कप ऑफ योर लव टी श्योर तो टी डिवाइन लोग इतने मछली इतनी सी और ऊपर से फिश चॉप तो क्या हुआ चॉप न थे चिप्स और कुछ नहीं तो चटनी अच्छा मैं जरा कपड़े बदल कर आऊं लगती जाना के वास्ते जो पिछले कामयाबी है बस उसके रास्ते अब कब गाना है उनका कल लिस्नर आए तो अगली फोर्टनाइट का पता चले कुछ भी हो इतने अच्छे गाने वाले को एक बार देखने की इच्छा जरूर है दिखाऊंगी जरूर दिखाऊंगी मैंने उन्हें रेडियो स्टेशन चिट्ठी लिखी है रेडियो स्टेशन चिट्ठी लिखी है किस लिए प्रेमन जी के पते के लिए तू भी पूरी चपड़ झंझुन है रेडियो स्टेशन वाले तुझे कहीं बता देंगे वो धरत तुम्हें अगर प्रेमन जी से मिलना है तो एक दिन ग्रामफोन कंपनी पहुंचो महीने में एक दो मरतबा उनकी रिकॉर्डिंग जरूर होती है एक दो चांस दो वेटिंग रूम बना सही ग्रामफोन कंपनी के दरवाजे से तो जरूर मिले ओ ग्रेट लता क्या दूर की सोची है तुमने लाओ इस खुशी को तेरी लगती टिकट सेलिब्रेट कर मैं जाती हूँ आशा क्यों आंधी आ रही है अभी निकल जाऊँ तो अच्छा है चलो मैं छोड़ा नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी जरा ठंडी ठंडी हवा में जाती हूँ पैदल अच्छा लगता है जरा ठहरो रुक जाती तो अच्छा था नहीं मैं जाऊंगी ये रेनू की सड़क मुझे अच्छी नहीं लगती बैठे बिठाए चलती यही तो आदत खराब लगती है मुझे अब तुम कितना कहती पर वो नहीं रुकती ये लो पानी बरसने लगा लता रेनू अगर भीग गई तो जरूर बीमार हो जाएगी अभी वो रास्ते में होगी मैं गाड़ी लेकर जाऊं उसे घर तक छोड़ अजी भीगेगी कहाँ छाता ले गई है तान लिया होगा बीमार हो कुछ नहीं पड़ेगी बेकार बात चोट तो नहीं लगी जी नहीं चलिए आपको घर पहुंचा दूं कहां रहती हैं आप तिलक रोड पर आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी नहीं माँ भी हैं कहाँ गई हैं वो लड़कियों के स्कूल में है वहीं गई होंगी
अच्छा देखिए घर में तीन चार आईडी है जी। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ले आता हूँ। कहाँ रखी? उस अलमारी पर। लीजिए, जहां भी लग गया हो लगा लीजिए। ये क्या, आपके यहां जितने रिकॉर्ड सब प्रेमेंद्र जी के? जी, ही इज माय फेवरेट सिंगर। मैं गाने वगैरह के मामले में कुछ ज्यादा नहीं जानता, शायद यही वजह है कि मिस्टर प्रेमेंद्र मुझे एक घटिया किस्म के गाने वाले लगते हैं। आपका टेस्ट संगीत के बारे में काफी ऊंचा नजर आता है। थैंक यू, मुझे घर पहुंचाने के लिए। अब आप यहां से जा सकते हैं। आपको प्रेमिन जी के खिलाफ कुछ कहने से चोट पहुंची है? जी हाँ। मोटर गाड़ी के धक्के से भी ज्यादा? जी, मैं प्रेमिन जी की बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे उनके गाने बेहद पसंद है। आई लव देम। आई हेट देम। मुझे उनके गाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, दरअसल मैं उन्हें गवैया मानता ही नहीं हूँ। आप यहाँ से जाते हैं या मैं किसी को बुलाऊं? आपको ये तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ब खुद ये तकलीफ कर लेता हूँ। बांधो,
वैनिटी बैग। चलो कहाँ? पिया मिलन को। चलो आप यहाँ कैसे आए? जी मैं समझ गया, आप शायद प्रेमन जी को मिलने आए हैं। चलिए उनकी आज यहाँ रिकॉर्डिंग, आप यहीं रहिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। सुनिए, आप उन्हें जानते हैं क्या? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं कह नहीं पाया कि मैं भी यहीं काम करता हूँ। मैं प्रेमन जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अलग बात है कि मुझे उनके गाने नहीं पसंद, मेरे ख्याल में वो गाना बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन क्या किया जाए, डेमोक्रेटिक जमाना, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ उन्हें। ये देखिए मिस्टर प्रेमन, मिस्टर प्रेमन द ग्रेट, हमारे ऑल इंडिया रेडियो मॉडर्न ग्रामफोन कंपनी लिमिटेड के मशहूर गवैये, जिनकी शोहरत तमाम हिंदुस्तान भर में छाई हुई है, जिनके गाने पर लोग वाह 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 करते हैं। यही वो हस्ती है जो दूर से नाजनी के दिलों में गुदगुदी सी पैदा कर देते, एक मीठा सा दर्द सा पैदा कर देते। और मिस्टर प्रेमन आप हैं मिस रेणुका कुमारी। मिस रेणुका कुमारी यानी कि मिस रेणु। और मिस्टर प्रेमन आप ही वो हस्ती जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपकी जरा सी बुराई करती फ्लैट से मुझे घर से बाहर से निकाल दिया। वाह वाह वाह। जी हाँ, और अगर थोड़ी देर और इनके घर में रह जाता तो प्रेमन जी सर मुंडा के लुटिया डोर बांध दी होती मेरे साथ। बस कीजिए प्रेमन जी, आप आपकी आवाज पे जान देती हैं, आपके गाने पे फिदा हैं, आपके गाने की एक एक मुर्की पर इनका दिल सौ सौ पल खाता है। क्या कहने क्या कहने प्रेमन जी, बस कीजिए। जी नहीं, अभी बस कैसे हो सकता। प्रेमन जी जब आपका गाना रेडियो पे होता है तो उस दिन आंधी हो, तूफान हो, बिजली कड़कती हो, बादल क्यों ना बरसते हो, मीलों दूर एक रेडियो क्यों ना हो, रास्ते पे कंकड़ पत्थर तो क्या सांप क्यों ना रेंगते हो, सबकी परवाह ना करते हुए रेडियो की तान पर मुग्ध हुई चली जाती है किसी हिरनी की तरह। ओ सदके सदके। गजब हो गया। क्या हुआ? मेरे से क्या आशा लगा? आशा जी, अरे आप कहाँ चल रही हैं? आप घबराती क्यों हैं? मैं तो आपके पास हाजिर हूँ ना। अरे रेणु, हाँ वही तो है। अरे रेणु तुम कैसे हैं यहाँ? रेणु तुम यहाँ? अरे रेणु तुम यहाँ कैसे आए? मैं, आप ही बताइए ना मैं यहाँ कैसे आई। हाँ हाँ साहब, मुझे सुनिए साहब। हाँ क्या? क्या यही कि आप यहाँ कैसे आए? हम यहाँ कैसे आए? हाँ हाँ बताइए। इश्क की राह पर दर्द के जोर से रामा रामा चली आए वो अपनी मंजिले मकसूद पर। हाँ? अरे रेनू ये कौन मुर्गा है? यही तो है प्रेमन जी। हाँ? यही प्रेमन जी है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जियो जियो। लेकिन एक बार लिसनर में मैंने प्रेमन जी की फोटो देखी थी। नहीं जी वो गलत फोटो देखी होगी, प्रेमन जी तो यही है। जी छोड़िए साहब, क्या बातें कर रही हैं आप। मैं तो कहता हूँ कि आपने फोटो गलत नहीं देखी है, और बिलफर्ज अगर आपको मेरी बात का एतबार ना हो तो मैं अभी ए तबला और कुछ गाना सुनाने के लिए। प्रेमन जी। अरे क्या है प्रेमन जी, तो अंदर गए। गार्डिंग तो शुरू होने वाली है, मेरा काम शुरू है, आप देख रहे मैं अभी आता आप देख क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Thank you.
मैं इधर से गुजर रहा था, दरवाजा खुला देख चला आया, सोचा आप भीतर होंगी। ये आपने कैसे जाना कि मैं अंदर हूँ? माँ भी हो सकती है। इस तरह से दरवाजा खुला आप जैसी लापरवाह लड़कियाँ छोड़ सकती है? माँ नहीं, और मुझे तो आपसे मिलना भी था। क्यों? मुझे आपको एक चीज देनी है। क्या? ये देखिए, प्रेमन जी ने भेजा है, ये उनका सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है, अभी निकला है। वो जानते हैं कि आपके यहाँ उनके सब रिकॉर्ड है, इसलिए फौरन ही अपना नया रिकॉर्ड भेज दिया। वो ऑटोग्राफ भी किया है। उन्हें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। हाँ, और मिलने के लिए बहुत बेचैन भी है। मुझसे कहने लगे कि पूछते आना कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। जी हाँ, मैं तो नहीं यहाँ ला रहा था, मुझे तो आपका घर मालूम ही था। पर नहीं, ऐसा कसम न कीजिए, उन्हें यहाँ मत लाइए। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। क्या आपको उनके गाने पसंद नहीं? उनके गीतों पर आप जान नहीं देती? नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं घर पर किसी से नहीं मिलना चाहती, मां नाराज होंगी। दीजिए अपनी अमन। रख दीजिए। यस यस। प्रेमन जी की ऑटोग्राफ की हुई फोटोग्राफ, ये भी उन्होंने आपके लिए भेजी है। लीजिए लीजिए लीजिए। एक बात पूछूं? पूछिए। बुरा तो ना मानिएगा? जी नहीं। आज प्रेमन जी के बारे में आपका जोश कम क्यों हो गया? उस दिन तो मैंने उनके गाने के खिलाफ कुछ कहा ही था कि आपने करीब करीब मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, और आज मैं उनका नया रिकॉर्ड लाया हूँ, आप दौड़े दौड़े उसे बजाने नहीं गई, उनकी ऑटोग्राफ फोटो लाया हूँ, उसे देखकर आपकी बातें नहीं खिली। क्या बात है? बात कुछ नहीं, आज सुबह से जरा मेरी तबीयत खराब है। हाँ, ये बात तो नहीं। फिर क्या बात है, आप ही बताइए। अगर बाहर ना निकाल देने की बख्शिश पाऊं तो कुछ कहूँ? कहिए। बाहर तो नहीं निकाल दीजिए? जी नहीं। बात ये है कि जब से आपने प्रेमन जी को देखा है, तब से आपके मन का रोमांस, जोश काफूर की तरह भोर हो गया है। आज हमें मालूम हुआ कि लड़कियां भी लड़कों की तरह उनके गुणों की खरीदार नहीं होती, सिर्फ सूरत देखती, खूबसूरती देखती है। हम लोग भी तो आखिर इंसान हैं, हमारी भी आप जैसी आंखें हैं जो काले को काला देखती है और सफेद को सफेद। आई देखने में कुछ बुरे तो नहीं हो मिस्टर, अच्छी खासी शक्ल पाई है। पर मिया, शीशे में हर इंसान को अपनी शक्ल अच्छी मालूम होती है, चाहे वो कितनी पर शक्ल क्यों ना हो। पर ये बात तो नहीं भाई, दोस्त यार भी कहते हैं कि बेटा राधाकांत कुछ भी हो कहना पड़ता है कि हो कुछ, मक्खन लगाते होंगे मक्खन। देखिए, भगवान ने आपको भी हमारी जैसी आंखें दी जो काले को काला देखती है, सफेद को सफेद। जरा हमें देख के बताइए तो हम काले नजर आते हैं या सफेद? सफेद सफेद। यम 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 यम। Here you are, Prince Divine, कामरान का शहजादा। आठ दस मरतबा आपके किले के चक्कर भी लगा चुका हूँ, जोर जबरदस्ती इस घर में आ भी गया हूँ, कहिए क्या हुक्म है? को काफ काटना शुरू कर दूँ? शुक्र है आप हंसी तो, वरना अगर आपका यही मूड रहता तो ना जाने हमको क्या हो जाता। हमें थैंक्स दीजिए। थैंक्स। ओह दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, भगवान आपका भला करे। मेक गॉड ब्लेस यू मदर। डैश डैश डैश। अरे कहाँ चलती आप? बैरागी को भिक्षा मिल गई, चलती अपने रास्ते। दक्षिणा में चाय तो पीते जाइए, नहीं तो अभी आप कहेंगे बाहर ना निकाल देने की बख्शिश पाऊं तो एक बात कहूं। कहिए। यही के लड़कियों को इतनी भी तमीज नहीं आती, मेहमान की खातिर करना भी नहीं जानती। तो आपको ये मेहमान नवाजी मंजूर है? मैं तो मानना मान तेरा मेहमान होकर फिर पड़ा था इस घर में। जब आप खुद ब खुद अंदर आ गए तो खातिर तो करनी होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं तो डर गई थी, बड़े वो हैं आप। अरे ये क्या, तुम सबके साथ इस तरह खामोश क्यों बैठी हो? वाजी, घर बुला भेजा और हमें यहाँ बिठा के सबके सब गायब हो गए, अपना सब मुंह लिए बैठे हैं। और वो कहाँ गई तुम्हारी गुलाबो सीताबो,
तुमने तो खूब वायदा करके बुलाया था कि सब लोग आना, छोटी मोटी पार्टी होगी, तुम लोग को एक छोटा सा कॉन्सर्ट दिखाऊंगी। कहाँ गया वो कॉन्सर्ट? कहाँ गई वो कॉन्सर्ट दिखाने वाली? अच्छा तो कॉन्सर्ट पहले या खाना? कॉन्सर्ट। सब रेडी, 1 2। है किस पे बाबा की नजरों में हम हो गए, क्या कहे किस पे बाबा की नजरों में हम हो गए, हिचकियां भरते ही भरते अधमरे हम हो गए, हिचकियां भरते ही भरते अधमरे हम हो गए, हाय अधमरे हम हो गए। मैंने कहा यारो दा दिल संभाल कर बैठना, हुजूर तशरीफ ला रही हैं। हो गए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम
बिमला लीली रंग आओ भी जरा मेरी मदद करो। थैंक यू। लता भाई रेनू कहाँ गई? कपड़े बदलने गई होगी। अरे तो आपने नहीं बदले कपड़े? जी आपकी दुआ से अपना तो ये खानदानी ड्रेस है। थैंक यू डार्लिंग। खा खा। मेरी जानी हमारी जगह किसने ले ली है? हजार बार कहा मुझे तेरी बदतमीजी अच्छी नहीं लगती, मेरे बिना तेरे बाग क्यों खोल डाला? मैं तो तुझसे तंग आ गई हूँ, हर बात का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। कहाँ से आ रही? क्या हुआ रेनू? रेनू सुनो तो, रेनू आखिर हुआ क्या? हुआ क्या? आपकी वजह से फ्रेंड्स के बीच में बेइज्जती हो गई। अब क्या मेरे पीछे पीछे घूमकर आप चारों तरफ बदनामी करेंगे? आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। ओ, ओ, ये तो मैंने खुद ही आपके वैनिटी बैग में रख दी थी। क्यों? क्यों? इसलिए कि यूं तो आप मेरी फोटो नहीं मांगती थी, मैंने सोचा मैं खुद ही रख दूं आपके बैग में। ये आपसे किसने कहा कि मुझे आपके फोटो की जरूरत है? ये तो आपने नहीं कहा, लेकिन हाँ इतना आप जरूर कहती थी कि मैं काले को काला देखती हूँ, सफेद को सफेद। मैं समझता था कि प्रेमिन जी की फोटो देखकर आपने काला तो देखा, शायद अब सफेद देखने की जरूरत पड़ गई। देखिए आप ज्यादा बात बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप नहीं जानते इस फोटो की वजह से मैं कितनी मुश्किलों में पड़ गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फोटो लता के हाथों में पड़ गई। लता के हाथ में पड़ गई? आपने खुद ही दिखाई होगी उसे। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी आपके फोटो दिखाने? वरना उसके हाथ में कैसे आती? उसने मेरे बैग से ले ली। देखिए आपकी सहेलियां सख्त बदतमीज है। क्यों? इसलिए कि किसी का बैग खोलना सख्त बदतमीजी है। उसमें बदतमीजी क्या बात है, हम लोग अक्सर एक दूसरे का बैग खोल डालते हैं। चोची देखो तो सही। अरे रे, इसे मत खुलिएगा। ओह, इसे मत खुलिए, मैं कह रही हूँ आपसे। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो लता देख सकती, मैं नहीं देख सकता? इसमें बहुत जरूरी चीज है, आपको मेरी कसम। फिर आप भी तो अजीब लड़की है, आजकल की मेम साहब चार मरतबा इस बैग में से शीशा निकाल कर यूं होंठ लाल करती है, और आपने कितने दिनों तक बैग ही नहीं खोला? नहीं खोला तो आपसे क्या? और अगर लता ने फोटो देख लिया तो मुझसे क्या? देखिए आप हंसकर बात उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? तो रोकर बात उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तुम भी अजीब लड़की हो, हंसकर चैन नहीं रोकर चैन नहीं, क्या उठ कर नाचो? हार गई मैं आपकी बातों से, जो भी आपके पल्ले पड़ेगी जिंदगी भर रोती ही गुजरेगी। हमारी फोटो दीजिए, हम अपने घर जा रहे हैं। अब क्या हुआ? आपने बेइज्जती की हमारी होने वाली बीवी की, ये उसकी इंसल्ट है। अच्छा गलती हुई, ऐसा काम नहीं बनेगा। फिर क्या हुआ? माफी मांग। अरे आपकी होने वाली बीवी, माफ कर दो। क्यों माफ नहीं किया? उसके होने वाले पति देव से भी माफी मांगी। अच्छा माफ कर दो। एक शर्त। वो क्या? एक प्याला चाय पिलाइए। पिलाऊंगी। आखिर हंसी तो। देखिए जनाब, आप हमें अपने घर में नौकर रख लीजिए, हम दूसरों को हंसाने का काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ अंदर कोई होटल है जो कि चाय मांगते यूं आ गई? जी हाँ होटल है। अच्छा जी, लेकिन होटल में तो जो मांगा जाए वही मिला करता है, ये मिठाई कैसे?
ये मिठाई हसानी कमीशन में। मैं जानती थी आप दोपहर को जरूर आएंगे, चाय तो पिलानी ही पड़ती, इसलिए जाने से पहले अंगीठी पर पानी चढ़ा गई थी और फिर जल्दी ही वापस आ गई। तुम चाय नहीं पियो? नहीं। तो लो खा लो। तो नौकरी कीजिएगा। किसकी? अभी जो कर रहे थे आप। अच्छा, हाँ जरूर। क्या तनख्वाह लीजिएगा? तनख्वाह तो जरूर से ज्यादा लूंगा। आखिर कितनी? छोड़ो, काम का निकाल दोगी, चाय भी हाथ से चली जाएगी। मैं भी सुन। सोच लो। सोच लिया। कहूं? तनख्वाह में बहुत बढ़ गए हैं आप, हद से ज्यादा रेनू। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया आप कौन हैं, क्या हैं। मैं कौन हूँ क्या हूँ ये तो नहीं जानता, पर एक इंसान में इतना बदला सकता हूँ बस। आप कुछ और जानना चाहती? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानना चाहती, पर समाज और माँ, उन्हें मैं जवाब दे लूंगा। कैसे? यही कि शरीफ आदमी हूँ, सराजन और लेडी रानी वाला का लड़का हूँ, ईश्वर की दया से घर में पैसा खुद अपने लिए भी कमा सकता हूँ, और सबसे ऊपर सफेद हूँ। आपको अपने ऊपर बहुत घमंड था तो, लेकिन जब से इस घर में आया हूँ तब से। आप कुछ मेरे बारे में जान पाए? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता रे, मैं तुम्हें जानना चाहता था, सो जान लिया। क्या? सुन ले। छोड़ दीजिए मुझे। क्या? आप नहीं जानते, छोड़ दीजिए मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। सुनो। नहीं। हुआ क्या? कुछ नहीं, कल आना तुम्हें बताऊंगी। अच्छा। आ गई। मैडम, ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह लिसनर में एक बार प्रेमिन जी की फोटो छपी थी। फोटो? अरे तुम तो मिल चुकी हो उनसे, अब फोटो की क्या जरूरत है? नहीं जी, मैं नहीं मानती, वो प्रेमिन जी नहीं थे। प्रेमिन जी नहीं थे? रेनू ने मिलाया तो था। रेनू की बात छोड़ो, उस दिन तो खुद ही उसकी अकल बिगड़ी हुई थी। इतना अच्छा गाने वाला, इतने लंबे लंबे दांतों वाला बंदर नहीं हो सकता। एक काम करना होगा। वो क्या? एक बार फिर उन्हें ग्रामोफोन कंपनी में पकड़ना होगा। ओ, हम नहीं जाएगा उधर। अच्छा तो तू नहीं जाएगी? जी, आप तो जाएंगी वहां पिया मिलन को। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? एक से दो अच्छे होते हैं, जरा हिम्मत रहेगी। और फिर उस दिन रेनू के प्रेमिन जी हम सबसे ज्यादा तो तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। वो मौका? ए, ए, देखो हम तुम्हारा दांत तोड़ देगा। अच्छा जाओ, माफ किया। Thank you.
रेनू 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 तो ये बात है क्या ये सजावट ये सिंगार ये सब किसके लिए हाय कोई कौन है वो बेचारा बदकिस्मत बदकिस्मत और नहीं तो क्या जिस पे ये बिजली गिरने वाली हो जिस पर कयामत आने वाली हो बदकिस्मत नहीं तो और क्या क्यों ये भी बताना पड़ेगा अजी यू सच थच के जरा सड़क पर बाहर तो चलिए तो पता चले कितने फड़की खा के इधर गिरे हो कितने फड़की खा के उधर गिरे हो आप तो सिर्फ बाहर ही देखते हैं इसलिए कि हमें अंदर की कोई परवाह नहीं लेकिन हूं पक्का जोहरी जानता हूं इस सजावट के अंदर कितनी सारी एक बात बता दो नहीं सुनूंगा बताऊंगी बहुत जलस हूं किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती सच अरे ये बात सुनकर आपको खुशी हुई सच्ची मोहब्बत पाकर कौन खुश नहीं होता रे अच्छा ये बताओ तुम्हें कल क्या हुआ था बताऊं हुआ जो होना था सो हो गया बुरा हुआ या भला हुआ दिल दो नैनों में हो गया बुरा हुआ या भला हुआ जो होना था सो हो गया बुरा हुआ या भला हुआ मैंने दिल से कहा झूठा जग है झूठे जग की झूठी चाहे मैंने दिल से कहा ये उल्फत है दुश्वार है उल्फत की राहें मैंने दिल से कहा झूठा जग है झूठे जग की झूठी चाहे दिल फिर भी तुम्हारा हो गया बुरा हुआ या भला हुआ दिल दो नैनों में हो गया बुरा हुआ या भला हुआ जग बना है जब से तुम ही कहो किसने दिल देकर सुख पाया जग बना है जब से तुम ही कहो इस हुस्न ने किसे न ठुकराया जग बना है जब से तुम ही कहो जग बना है जब से तुम ही कहो इस हुस्न ने किसे न ठुकराया दिल फिर भी तुम्हारा हो गया बुरा हुआ या भला हुआ दिल दो नैनों में हो गया बुरा हुआ या भला हुआ ए छोकरा हाँ प्रेमन जी हैं हैं और कोई तो नहीं है अंदर जी नहीं उनसे कह दो कि हम उनसे मिलने आए आपका कार्ड दीजिए कार्ड वार्ड अपने पास नहीं है हम उनके घर से आए हैं आप उनके घर से आए अच्छा एक मिनट ठहरिए जाओ बाबूजी क्या है आपकी बीवी आई है अंदर भेज दो क्या कहा आपकी बीवी आई है बीविया कितनी जी दो दो अभी यहाँ एक का ठिकाना नहीं दो दो कहां से चली आई आइए जी नमस्ते आप लोग आइए आइए कैसे तकलीफ की आप शायद प्रेमन जी को मिलने आए वो अभी अभी शायद उस दरवाजे से बाहर गए आप बैठिए मैं उन्हें बुला के लाता हूँ बैठिए 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 बता दिए तशरीफ रखिए बैठिए बैठिए मैं अभी बुला के लाता हूँ उन्हें प्रेमन कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ मैंने इन्हें देखा है कहाँ देखा है समझ में नहीं आता कहाँ देखा पाशा मैंने ऐसा देखा कहीं नमस्ते नमस्ते ओफो नमस्ते नमस्ते अरे आप लोग कब आए कैसे आए क्यों आए आप लोगों से मिलकर तबीयत बड़ी खुश हुई और आप आपका मिजाज कैसा है जी बहुत अच्छा है शुक्र है शुक्र है आपका नाम ही मालूम न था
कितना मन चाहता था कि काश आपका नाम ही मालूम होता। जी इनका नाम है लता रानी। क्या कहा? लता रानी, ओ, क्या गजब का नाम है। मगर मैं पूछता हूँ कि आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही, ये आपसे मिलने चली आई। अजी मैं कहता हूँ कि क्यों फजूल तकलीफ की आपने? अजी अपना पता ही क्यों न दे गई? अरे मैं तो आपकी खिदमत में खुद हाजिर हो जाता। कोई आता है पैरों से, हम आते अपने सर के बल से। मगर खैर कोई बात नहीं। मगर हाँ आप जरा बेवक्त आइए, मेरा रिकॉर्डिंग का एक प्रोग्राम बाकी है। रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम के बाद तक आप ठहरे तो कम से कम आपके साथ चलकर आपके मकान का नंबर तो देख लो। जी हाँ जरूर, ये आपके घर के पास ही रहती है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं, ये आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। क्या कुछ? आई एम वेरी सॉरी। माफ कीजिएगा प्रवीण जी, मैं समझा आप अकेले हैं। कोई हर्ज नहीं, आइए आइए। माफ कीजिएगा, एक जरूरी काम था इसीलिए यहाँ आना पड़ा, वरना ऐसे मौके पर आपसे बिजनेस के मुताबिक बातचीत करना कुछ मुनासिब नहीं था। तो प्रेमन जी। जी हाँ जी, हाँ जी, कहिए ना कहिए ना, बोलिए ना जी। मैंने कहा वो जो अगस्त के महीने की डेट्स आपने दी हैं ठीक हैं, मगर साहब क्या किया जाए, आपके गानों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। प्रेमन जी जरा आप अपना प्रोग्राम देखकर बताइए कि सितंबर में आपके पास कौन कौन सी डेट्स हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि मैं सितंबर में आपको पहले से बुक करना चाहता हूँ। जी हाँ जरूर बुक कीजिए। और शाड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हैं हमारी कंपनी के प्रोग्राम डायरेक्टर और आप लोग हैं हमारी हमारी लड़कियाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रेमन जी जरा आप अपनी डायरी देखकर बताइए कि सितंबर में आपके पास कौन कौन सी डेट्स हैं। डायरी प्लीज। हाँ डायरी 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 ये लीजिए, डायरी लिखिए आप क्या लिखना चाहते हैं। हाँ जी तो आप सितंबर की डेट चाहते हैं, अच्छी बात है, लिखिए। पहली दूसरी रेडियो, तीन तारीख उनके घर चक्कर लगाना, और चार तारीख रास्ते में इंतजार करना, सॉरी तीन चार, हमारे तीन चार खाली नहीं है, सात तीन चार खाली नहीं है, पांच तारीख खाली है, पांच तारीख लिखिए। हाँ जी फिर छः सात कंपनी, आठ तारीख प्राइवेट कंसल्ट, नौ तारीख को फिर उसे घर चक्कर लगाना, और दस तारीख को रास्ते में छेड़ना, और ग्यारह तारीख को कुछ कुछ बातें करना, सॉरी आठ नौ दस ग्यारह खाली नहीं है, साहब बारह तारीख खाली है, बारह आप बारह तारीख लिखिए। जी लिखिए लिखिए ना जी। लिख लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी आपको डेट्स लगा रहा हूँ। शुक्रिया। घड़ी में पांच बज रहे हैं, नंबर दो में रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, वहाँ पर तबला कौन बजाएगा, तुम या मैं? आप। तबला? आहिस्ते जाकर तबला बजाओ। अरे जाकर तबला बजाओ। आहिस्ते, यू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, गेट आउट। क्या मुसीबत में जान है, इज्जत का दीवाना है, किन जाहिरों से पाला पड़ा है। माफ कीजिएगा जरा मामले में कुछ गड़बड़ेशन हो गई। गेट आउट फ्रॉम हियर। ओह यस सर। माफ कीजिएगा जरा बदतमीजी हो जा रही थी, तब क्या बताऊं मिस्टर प्रेमेंद्र ने कमबख्त इस बेदिल को। बेदिल? जी हाँ बेदिल, तबलची। तबलची? जी हाँ तबलची। इस तबलची को प्रवीण जी ने बहुत सर चढ़ा रखा। वेल दैट्स इज पर्सनल मैटर, आई कांट से एनीथिंग। प्रवीण जी मेहरबानी करके सितंबर की डेट सही सही लिख दीजिए। डेट्स कैसे दूं आपको, वो तो मेरी डायरी भी लेके चला गया। ओ डैम दिस तबलची। मैंने कहा प्रेमन जी नमस्ते। नमस्ते जनाब, इसको अगर छुपने की क्या जरूरत थी? नहीं जी बात यह है कि वो बहुत से लोग मिलने आते हैं इसलिए मैं। तो फिर हम चलते फिरते नजर आएंगे। जी नहीं तशरीफ रखिए। थैंक यू। रेनू क्या है माँ, तुझे क्या हुआ है? मैं देखती हूँ तो आजकल बहुत सुस्त रहती है। मेरी तबीयत नहीं अच्छी है माँ। तबीयत अच्छी नहीं है तो डॉक्टर के पास हुआ। चली जाऊंगी। और हाँ कल आशा मिली थी, तू उससे सात आठ रोज से मिली नहीं, कहती थी बहुत जरूरी काम में लगी थी इसलिए यहाँ ना आ सकी। काम खत्म होते ही आ जाएगी। तेरा खाना मेज पे रखा हुआ है, अभी गर्म है खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। तो शाम को तैयार रहना, मैं स्कूल से आते ही तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। माँ कहती है इस
किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन उन्हें क्या मालूम मेरे असली डॉक्टर इन दिनों न जाने कहां गायब हो गए। कहां चले गए तुम? हाथ जोड़ती हूँ वापस आ जाओ। पता भी नहीं दिया कहां रहते हो। दो बार रेडियो स्टेशन ढूंढ कर आई, वहां भी तुम नहीं आए। आग लगा कर चल दिए क्या हुजूर? अरे मुझे देख के तेरा मुंह क्यों उतर गया? नहीं तो क्या हुआ है तुझे? इतने दिनों से मेरे घर क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत खराब थी। कुछ तो नहीं मालूम पड़ता, कहीं प्रेम रोग तो नहीं हुआ? अरे तू इतने दिनों से मिली नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। चलो बैठे। अच्छा तो उस दिन ग्रामोफोन कंपनी पर तुझे कौन से मित्र मिले थे? क्यों बताना, किसने तुझे प्रेमिन जी से मिलाया था? क्या नाम था उनका? राधाकांत। तो उन्होंने तुझे धोखा दिया? क्या? हाँ हाँ उन्होंने तुझे धोखा दिया। कैसे? उस दिन उन्होंने ग्रामोफोन कंपनी में तुझे प्रेमिन जी से मिलाया था ना? हाँ तो? अरे बैठ, तो खड़ी क्यों हो गई? बोलो ना। जिनसे उन्होंने मिलाया था वो प्रेमिन जी नहीं थे। फिर कौन थे? अरे वो तो रेडियो स्टेशन पर तबला बजाया करता है। क्या? तबलची है, तबलची बेदिल। बेदिल? बेदिल तो उसका नाम है, पर है उल्टा। बेचारी लता मुश्किल में पड़ गई। खैर उस दिन तो मैं बुद्धू बन गई, पर बाद में मेरा मन ना माना। एक दिन लता को लेकर फिर ग्रामोफोन कंपनी पहुंच गई, जबरदस्ती धनधनाते उनके कमरे में घुस गई। हजरत हैं बड़े बने हुए, इस बार खुद जाकर फिर उसी को पकड़ ला, लीजिए मिलिए प्रेमिन जी से। वो तो प्रोग्राम डायरेक्टर आ गए तो भेद खुल गया, नहीं तो इस बार फिर बनाकर भेज रहे थे। चलो अच्छा हुआ, तेरी आरजू तो पूरी हो गई। मैंने उनको घर पर इन्वाइट किया था, लतो को भेजा था उस दिन बुलाने, तो घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी? वो आई थी, उन्होंने अपना फेवरेट गाना भी मुझे सुनाया था। तब से उन्हीं के चक्कर में पड़ी हूँ। फुर्सती नहीं मिली तुम्हारे पास आने की, तब से 3-4 बार मिल चुकी हूँ, काफी खुल मिल गई। चला अच्छा हुआ। और हाँ सुन, जिसलिए आई हूँ, परसों मैंने पार्टी अरेंज की है, तुम सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगी उनसे। और हाँ हम उनके लिए अपना फेवरेट डांस ड्रामा भी करेंगे, तुम्हें भी पार्ट लेना होगा। मेरी तबीयत नहीं अच्छी, मैं कुछ नहीं जानती। कहो तो पार्टी कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं पार्टी को कैंसिल करोगी? तबीयत अच्छी रही तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सच बता तुझे क्या हुआ है? कुछ तो नहीं। वियोगिनी वियोगिनी से मालूम होती है, बताना। क्या बताऊं, कुछ हो तो बताऊंगी। अच्छा मैं जाती हूँ, परसों दोपहर को गाड़ी भेज दूंगी, जरा जल्दी चली आना है, रिहर्सल करेंगे। अच्छा जाती हूँ। अच्छा तो मुझे स्टेज पर नाचना है, उसे बता देना फिर मैं चुका हूँ। जल्दी क्या है, बाद में तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन होगा ही, तो मुझे पहले बता दे। तरसाए 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 ना।
बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए किसे पुकारे किसे कहे अपना वोरी, किसे बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए बाबरी गोरी, किस पे तू मरती है वो खुशियाँ मनाता है, किस पे तू मरती है वो खुशियाँ मनाता है, नदियाँ किनारे तेरी सांस खुद जाता है, नदियाँ किनारे तेरी सांस खुद जाता है, वो तेरा नहीं है गुलाब से गोरी, वो तेरा नहीं है गुलाब से गोरी, जल्दी डॉक्टर को टेलीफोन करो। रेनू, रेनू अब तो होश में आ रही है। आशा मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो आशा। क्या हुआ रेनू,
तो अच्छी हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर भेज दो। मेरी तबीयत नहीं अच्छी, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। आशा, मुझे घर भेज दो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब कैसी तबीयत है आपकी? रेनू, आप ही हैं मिस्टर प्रेमी, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आशा, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। क्या बात है रेनू, आज जल्दी चली आई? माँ, मेरी तबीयत खराब है। मैं डॉक्टर को आज घर पर ही बुला लाती हूँ, उठ तो जरा। नहीं माँ, तुम कहीं मत जाओ, मैं बैठी रहो, मुझे थोड़ी देर इसी तरह पड़ा रहने दो, मैं अच्छी हो जाऊँ। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं माँ, मेरी तबीयत खराब है। कहीं पगली है तू? डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तबीयत अच्छी नहीं, आखिर ये सब है क्या? कौन? हट तो जरा, देखो तो कौन आया है। चाहते हैं आप? मैं जरा रेनू से बात करना चाहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से आया हूँ, जरा रेनू से बात करना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं रेनू, मुझे जानती है, मैं जरा उससे बात करना चाहता हूँ। रेनू? माँ, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं पहचानती, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। रेनू, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जरा मेरी बात भी तो सुनो। माँ, इनसे कह दो घर से फौरन चले जाए, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, मैं जानती नहीं वो कौन है। पर रेनू, जरा सुनो भी तो। बस बहुत हो गया, अब जाइए आप यहाँ से। कौन था बेटा? माँ, मैं उन्हें नहीं जानती। कुछ भी हो बेटा, जो कुछ करना सोच समझ के करना। यहाँ कैसे आए? खिड़की फांद कर, दरवाजे से आने पर तुम दरवाजा तो खोलती नहीं, दो तीन बार इस चक्कर में आकर लौट चुका हूँ, इसलिए आज खिड़की से चला। पर ये तो माँ का कमरा है। उन्हें अभी अभी मैंने स्कूल जाते देखा है। तो क्या हुआ, आप यहाँ से जाइए। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं तैयार होकर आया हूँ, अपनी बात तुम्हें सुना कर ही रहूंगा, फिर तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा। कहिए रेनू, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। नहीं तो? तुम्हें गलतफहमी नहीं? नहीं, मैं पहले से जानती थी आप मुझे धोखा देंगे। मैं तुम्हें धोखा दूंगा? जी हाँ, आपने मुझे धोखा नहीं दिया। प्रेमिन राधा कांत, मैं किसको सच समझूं? कौन है आप? दोनों। प्रेमिन मेरा रेडियो का नाम है, राधा कांत मेरे घर का। पर आपने मुझसे जिन साहब का इंट्रोडक्शन कराया था, वो कौन से चंद्रकांत थे? ये जरूर मेरी शैतानी थी, मैं जरा तुम्हें परेशान करना चाहता था। तो आशा क्यों नहीं परेशान किया? मैं ही मिली थी आपको ठगने के लिए। रेनू, यही तो गलतफहमी है तुम्हें, मुझे आशा से कुछ मतलब नहीं, वो मुझे दोबारा मिलने आई, मैंने फिर उससे चक्कर देना चाहा, मगर प्रोग्राम डायरेक्टर ने आकर सारा भांडा फोड़ दिया, तब से वो मेरे गले पड़ गई है। गले पड़ गई है, तभी तो आप मेरे यहाँ से इतने दिनों तक गायब रहे। अरे, मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आ सका कि मुझे कुछ जरूरी काम था, फिर जब कोई वक्त मिलता तुम्हारे आने के लिए आशा घेर लेती। तो आप उसी में घिरे रहिए, मुझसे क्या मतलब? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सच कहता हूँ, मुझे आशा से कोई मतलब नहीं, सच आशा से मुझे कोई मतलब नहीं। आपको उससे मिलने की फुर्सत थी, उसको गाना सुनाने का टाइम था, एक मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ बैठे बैठे जलती थी। यही तो परेशानी है, काश तुम मेरी जगह पर होती, तुम्हें पता चलता कि मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ा। अरे, दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ गए? अच्छा, मैं अब जाता हूँ, मुझे जो कहना था सो कह दिया, अब तुम्हारी समझ में आए तो ठीक है, वरना जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे माँ, दरवाजा खुला वो छोड़ गई, आप जाइए यहाँ से, मैं कहती हूँ आप जाइए यहाँ से। अरे क्या हो रहा है?
और ये क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर ये 50-50 का क्या लफड़ा है? 50-50? जी आधे इधर आधे उधर। मैंने कहा आप मिलने वाली थी ना इनसे, लीजिए मिल लीजिए, अब मैं चल दिया। यहाँ क्या कर रहे थे आप? यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। आपके घर गया था, वहाँ से पता चला आप यहाँ आई हैं। पर मैं तो अभी भी घर से आ रही हूँ। घर से आ रही हैं आप? तो दरबान ने मुझसे झूठ कहा होगा। क्या कहा? कह लेगा कि छोटी बहन साहब अभी अभी फटफटी पे बाहर गई है। झूठा गई? हाँ बड़ा झूठा है। जल्दी जल्दी चुपता कीजिए उसे। पर आप यहाँ इस तरह खिड़की पे क्यों बैठे हुए हैं? खिड़की पे मैं, बात यह है कि मैं यहाँ आया, रेनू से पूछा कि आशा जी आई है यहाँ पर, कहने की जी नहीं। मैंने सोचा शायद रास्ते में फटफटी फुस हो गई होगी, फिर मैंने उनसे कहा कि क्या मैं उनका यहाँ इंतजार कर सकता हूँ, कहेंगे जी नहीं, इंतजार करना तो घर के बाहर जाके इंतजार कीजिए। मैंने कहा सोचिए तो सही, आपके दरवाजे के बाहर इंतजार करता हूँ अच्छा तो नहीं मालूम होता, कहेंगे ना हो पर जाइए बाहर इंतजार कीजिए। बड़ी देर के बाद चुपता हुआ जी, फैसला भी हुआ तो बीचों बीच, ना इनके मन की ना मेरे मन की, इसी वजह से आधा घर के बाहर और आधा घर के अंदर आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जी? आइए ना, आप बताइए क्या बात है? बात मैं ये पूछने आया था कि वो संडे को जो पिकनिक हो रही है उसकी बात पक्की है या नहीं? अच्छा जी, पिकनिक तो संडे की है, पेट में दर्द अभी से शुरू हो गया। दिल